रन बढ़ने के साथ ही बुजुर्ग और बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बुजुर्गों में लकवा, दिल की बीमारी के केस बढ़ रहे हैं तो वो जोड़ों के दर्द से भी परेशान हैं। वहीं नवजात और छोटे बच्चे हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो रहे हैं। तो डॉक्टरों के मुताबिक बढ़ती ठंड में बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। बढ़ती ठंड के कारण सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं के साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीजों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस मौसम में ब्रेन हेमरेज की समस्या भी बढ़ जाती है। लोगों को इस मौसम में खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने पर अधिक ठंड में सुबह के समय दवा लेकर ही बाहर निकले। आउटडोर गतिविधियां कम से कम करें। सर्दियों में घर में ना रहें बल्कि धूप सेकें। मीठा, नमकीन और खट्टा कम खाएं। संतुलित, पोषक और ताजा भोजन खाएं। अल्कोहल और कैफीन के सेवन से बचें। जब सर्दी ज्यादा हो जाती है तो उसमें जो ब्लड प्रेशर है आदमी का वो बढ़ जाता है, और जिन लोग ब्लड प्रेशर के मरीज ऑलरेडी होते हैं तो उनको अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाई वो लेना भूल जाएंगे तो रात के 3 बजे सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये सावधानी रखनी है कि एक तो ज़्यादा ठंड से हम लोग बचें, और दूसरा ये ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल ना खाएं, मतलब बिल्कुल खाना ना भूलें। अगर ब्लड प्रेशर की दवा खाना भूल जाते हैं तो हमको हार्ट अटैक भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जाड़े में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज के लिए सर्दी का मौसम बेहद खतरनाक। डायबिटीज़ के मरीज खान पान का ध्यान रखें, तनाव ना लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, खुद को गर्म रखें और पौष्टिक आहार लें, समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहें। ठंड के दौरान सामान्य फ्लू और सांस संबंधी समस्या से बचाव, ताजे फल और ताजी सब्जियों का सेवन करें, बाहर जाने से बचें या प्रमाणित फिल्टर मास्क पहनकर ही बाहर जाएं, ठंड से बचें और गर्म कपड़े पहनकर रहें, ज्यादा पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें, ताजे फल और ताजी सब्जियों का सेवन करें, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। ठंड के मौसम में हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह का पालन करने के साथ साथ दिनचर्या में बदलाव लाकर हम खुद को फिट रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R90।